ए आकाशवाणी जम्मू ऐ सांझा खबरें तुंदा स्वागत पैहले खास खास खबरें कन्नै में जगमोहन शर्मा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह होरें आखेआ ऐ जे केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर च सैलसफा दे बढ़ावे लेई वचने बज्झी दी ऐ उनें सांबा जिले च पुरमंडल ते उत्तर बैनी दा दौरा लाया लोकें गी बिजली दी बिजन त्रोड़े दे सप्लाई यकीनी बनाने लेई जम्मू कश्मीर सरकार बुनियादी ढांचे आहलिएं स्कीमें गी तेजिआ कन्नै लागू करोग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दी अमलावरी च बेहतर कारकरदगी दस्सने पर जम्मू कश्मीर गी राष्ट्रीय पुरस्कार लेई तालेआ गेआ ऐ ते पाकिस्तान दी इक विशेष अदालतै साबका सेना प्रमुक्ख परवेज मुशर्रफ होरें गी राजद्रोह दे इक मामले च मौत दी सजा सुनाई ऐ खबरें दी तफसील कन्नै नरेश शर्मा केंद्री सैलसफा मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल होरें अज्ज परमंडल ते गुप्त गंगा उत्तर बैनी दे तीर्थ स्थानें दा दौरा लाया ते श्रद्धालुएं आस्तै उत्थें उपलब्ध सुविधाएं दा जायजा लैता उनें दौनें थाहरें लोकें दे किट्ठें गी संबोधित भी कीता ते सरपंचें पंचें ते प्रमुख शहरदारें पासेआ पुट्टे गेदे बिजली पीने आह्ले पानी ट्रांसपोर्ट सड़कें सरकारी राशन ते बुढ़ापा पैंशन जनेह मसलें गी हल करने दा भरोसा दोआया मीडिया कन्नै गल्लबात करदे होई केंद्री मंत्री होरें आखेआ जे सरकार धार्मिक पर्यटन गी बढ़ावा देने आस्तै तीर्थ स्थानें ते इतिहासिक थाहरें दा सुधार करने लेई वचनबद्ध ऐ उनें आखेआ मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर प्राथमिकता पर है और हमारे पास में दो स्कीमें प्रसाद और स्वदेश दर्शन तो मुझे लगता है कि जो भी प्रस्ताव हमारे पास में जाएगा वो निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर यूटी को वो प्राथमिकता मिलने वाली है। ये पूर्व से प्रधानमंत्री कह गए हैं। प्रधानमंत्री ने ये भी घोषणा की है कि हमारा कोई भी मंत्री ऐसा नहीं होगा जो यहाँ आकर एक रात रुक कर ना जाए, जिससे प्रायोरिटी समझ में आती है कि क्या करना है। ऐसी धरोहर है उससे गर्व से सिर ऊंचा हो जाता है, पूजन के प्रति नमन करने की इच्छा होती है, लेकिन जो रखरखाव की दुर्दशा है उसको व्यवस्थित करने के लिए मिलजुल के काम करेंगे। सांसद जुगल किशोर शर्मा, जम्मू कश्मीर दे साबका मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा ते डीके मनियाल होर भी इस मौके उत्थे मौजूद हे। उप राज्यपाल हुंदे सलाहकार के शर्मा होरें अज्ज ट्रांसमिशन समर्थ च बाधा करने समेत बिजली ढांचे च सुधार करने आह्लियें स्कीमें दी अमलावरी च तेजी आनने दे निर्देश जारी कीते न तां जे लोकें गी बिजन त्रोड़े दे बिजली सप्लाई कीती जाई सकै। सलाहकार होर जम्मू कश्मीर च बिजली दी स्थिति ते बक्ख बक्ख स्कीमें दी अमलावरी दा जायजा लैने आस्तै लोआई गेदी इक मीटिंग च बोला करदे हे। सलाहकार होरें आरएपी डीआरपी स्कीमें दी स्थिति दा भी जायजा लैता ते प्रदेश दे मुक्ख शहरें ते नगरें च बुनियादी ढांचे दे सुधार आली स्कीमें गी तौले मुकम्मल करने लई आखेआ। मीटिंग च दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सौभाग्य संगठित बिजली विकास स्कीम ते प्रधानमंत्री विकास पैकेज दी अमलावरी दा भी जायजा लैता गया। ट्रांसपोर्ट महकमे दे प्रिंसिपल सचिव डॉ असगर हसन समून होरें अज्ज ईआरटीओ दफ्तर उधमपुर च मोटर गड्डियें सरबंधी महकमे पासेआ लोआए गेदे इक सड़क सुरक्षा जागरूकता कैंप दा उद्घाटन कीता। उधमपुर दे डिप्टी कमिश्नर डॉ पीयूष सिंगला, एसएसपी राजीव पांडे ते बक्ख बक्ख स्कूलें दे विद्यार्थियों ते प्रमुख शहरदारें एह्दे च हिस्सा लैता। प्रिंसिपल सचिव होरें उधमपुर जिले दे दूर दराज इलाकें आस्तै 4 नमियें बसें दा उद्घाटन भी कीता। उनें आखेआ जे औने आह्ले दिनें च जिले दे दूर दराज इलाकें च सड़क राबतें दा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तैह्त सुधार कीता जाग। एरियाज हैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के, मैं डीसी साहब का, एसपी साहब का, एआरटीओ का इनका आभारी हूँ कि उन्होंने यहाँ के लिए प्राइवेट बसेस शुरू कर दी। 3-4 गाड़ियाँ हमने बसेस जो अभी 42 सीटर आराम से वो बैठ सकते हैं और हंगरी रूट्स के लिए 5 फ्लोर क्लियरेंस है, तो ये बसेस इन्होंने चालू कर दी वहाँ के लिए। मैं आरटीसी को भी बताता हूँ, वो भी यहाँ बस चलाएंगे। जो हमारे हंगरी रूट्स हैं के लिए ओवरलोडिंग होती है और लोगों को फायदा के लिए, खासकर जो गरीब लोग हैं अपनी गाड़ी नहीं है तो उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जरूरी है। डोडा दे जिला विकास कमिश्नर डॉक्टर सागर डी डायफोडे होरें पुल डोडा ब्योली सड़क चैड़ी करने आली परियोजना दा मुआयना कीता। उनें अमलावरी एजेंसी गी गणपत मोड़ थमां पुल डोडा तक्कर 100 मीटर दी सड़का गी 15 दिनें दे अंदर अंदर हर सूरतै च पूरी चाली तैयार करने दे निर्देश जारी कीते न। उनें आखेआ काफ़ी सेटिस्फैक्टरी काम जो है इनका यहाँ पे चल रहा है आरएनबी डिपार्टमेंट की तरफ से। आने वाले दिनों में जो है जब काम इसका पूरा हो जाएगा, और मुझे पूरी आशा है कि डोडा के हमारे कम्यूटर्स को एक बड़ी लंबी चौड़ी सड़क और अच्छी तरह से मेंटेन की हुई सड़क आने वाले कुछ ही दिनों में मिलेगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की अमलावरी च बेहतर कारकरदगी दसने लई केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राष्ट्रीय पुरस्कार लई ताल्या है। ये पुरस्कार 19 दिसंबर की नवी दिल्ली च दिते जांगन। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2 तहत जम्मू कश्मीर ते लद्दाख आस्तै सड़कें ते पुलें दे 147 प्रोजेक्ट मंजूर कीते न, जिंदी लंबाई 783.88 किलोमीटर ते कुल लागत 8 अरब 78 करोड़ 53 लाख रुपये है।
महकमा बागवानी की सक्रिय शमूलियत ते एदियें बख-बख स्कीमें की असरदार ढंग सर अमलावरी दे चलदे रियासी जिले च बागवानी दे क्षेत्र च मती बेहतरी दिखने की लभा करदी है। किसानें गी इन्हें स्कीमें दा लाह सीधे केंद्र सरकार कोला थोवा करदा है। बागवानी गी मता फायदेमंद सही करदे होई मते किसान खेतीबाड़ी दे बजाए हुण बागवानी गी अपना करदे न। बागवानी दे माहिर उनेंगी बूटे लाने कोला लेइयै फलें दी बनकी ते पैदावार दे प्रबंधन ते बिक्री बारे भी पूरी जानकारी दे करदे न। इस सरबंधा च जानकारी दिंदे होए रियासी दे मुख बागवानी अधिकारी होरें दस्सेया है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो रियासी में यहाँ पे हमारी सरकार की तरफ से मिद है, MIDH है, PMDP है, RKVY है, साथ में कैपेक्स के अंडर हम एक सिट्रस विलेज यहाँ पे कुंडकनारी में बना रहे हैं। ये सारी स्कीमों का जो निचोड़ है वो यही है कि किसान की आमदन दुगनी की जाए और उनको सपोर्ट दिया जाए। ये खबरें तुस आकाशवाणी जम्मू थमां सुना करदे हो। बाकी दी खबरें कन्नै जगमोहन शर्मा पर पहला एक सुनिया। माँ और बच्चे का रिश्ता सबसे पहला और सबसे खास है। माँ की गर्भावस्था के दौरान देखभाल आपके होने वाले स्वस्थ शिशु की तरफ आपका पहला कदम है। आए और बढ़ाएं एक कदम अपने स्वस्थ कल की ओर। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली सुविधाएं, गर्भवती महिला को मुफ्त इलाज, मुफ्त ऑपरेशन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त रक्त और सभी प्रकार की जांच और साथ में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध है। घर से अस्पताल और अस्पताल से घर लाने और ले जाने की सुविधा के साथ साथ और भी कई मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। माँ के साथ साथ जन्म से एक साल तक के बीमार बच्चे को मुफ्त इलाज और यातायात सुविधा भी। ये पैगाम आप तक पहुँचा रहे हैं नेशनल हेल्थ मिशन। पाकिस्तान दे इतिहास च पहली बारी पेशावर हाई कोर्ट दे मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ हुंदी प्रधानता च त्रौं जजें दी पीठ आली विशेष अदालतै साबका फौजी हुक्मरान परवेज मुशरफ होरें गी राजद्रोह दे इक मामले च मौत दी सजा सुनाई ऐ। साबका फौजी प्रमुख इनें दिनें दुबई च न। नवंबर 2007 च मुल्खा च एमरजेंसी लाने बारे साबका फौजी तानाशाह खिलाफ एह मामला दिसंबर 2013 थमां चला करदा हा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होर इस म्हीने दी 29 तरीक गी आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम च देश विदेश च लोकें कन्नै अपने विचार सांझे करङन। माहवार रेडियो कार्यक्रम दी एह 60वीं कड़ी होग। इक ट्वीट च प्रधानमंत्री कार्यालय ने आखेआ ऐ जे मोदी होरें गी लोकें गी अपने विचार उंदे नै सांझे करने लेई मोदी होरें आखेआ ऐ। लोक अपने स्नेह टेलीफोन नंबर 1800117800 पर रिकार्ड करवाई सकदे न ते नमो ऐप, ओपन फोरम या माई गोव उप्पर भी लिखी सकदे न। एह्दे अलावा लोक 1922 नंबर उप्पर मिस्ड काल करियै थ्होने आले SMS आले लिंक उप्पर जाइयै भी अपने सुझाव सिद्धे प्रधानमंत्री होरें गी देई सकदे न। एह् सुझाव इस म्हीने दी 18 तरीक धोड़ी दित्ते जाई सकदे न। रिकार्ड कीते गेदे किश स्नेहें गी प्रसारण च शामल भी कीता जाई सकदा ऐ। ऑपरेशन सद्भावना तैह्त भद्रवाह स्थित राष्ट्रीय राइफल्स आसेआ कौशल विकास कार्यक्रम तैह्त डोडा जिले दे बेरोजगार नौजवानें आस्तै इक म्हीने दा JCB ट्रेनिंग कोर्स शुरू कीता गेआ ऐ। भद्रवाह, भलेसा ते मरमत दे 20 युवाएं गी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम लेई तालेआ गेआ ऐ। इस मौके पर बोलदे होई 4RR दे कैप्टन अरुण होरें दस्सेआ, आर्मी की तरफ से औप सद्भावना के अंतर्गत हम JCB का मेंटेनेंस और ड्राइविंग का कोर्स चला रहे हैं। उनका अनएम्प्लॉयड यूथ हैं के कौशल को विकसित करने का एक हमने स्टेप उठाया है कि लोगों को यहाँ के स्पेशली जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको एम्प्लॉयमेंट की इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिले। कमान केंद्र शासित प्रदेश आपदा प्रबंधन दी जम्मू स्थित दुई बटालियन दे कार्यालय आसेआ SPO ताईं चुने गेदे जम्मू खित्ते दे 92 मेदवारें दी सूची जारी करी दित्ती गेई ऐ। इनें मेदवारें गी अपने दस्तावेजें कन्नै 21 दिनें दे अंदर अंदर बटालियन दे जम्मू आह्ले मुख्यालय च हाजर होने ताईं आखेआ गेआ ऐ, नेईं तां उंदी ताल रद्द समझी जाग। होर जानकारी आस्तै मेदवार बल दे कमांडेंट दे दफ्तर कन्नै राबता करी सकदे न। उधमपुर जिले च PHE च कम्म करने आले ध्याड़ीदारें 45 दिन तोड़ी चली दी अपनी हड़ताल वापस लेई लैती ऐ। इनें कर्मियें दी एसोसिएशन दा आखना ऐ जे उपराज्यपाल हुंदे आसेआ उंदियें मंगें पर गौर करने ते PHE च कम्म करने आले डेली वेजरें ते कैजुअलें दे मामलें दी दिक्ख सुन करने दा भरोसा दोआया गेआ ऐ जेह्दे नै ओह मते खुश न। इस मौके साढ़े संवाददाता कन्नै एसोसिएशन दे सीनियर उप प्रधान सोमनाथ होरें गल्ल कीती। उन्हें आखेआ, आज हम ये जो स्ट्राइक जो चल रही है इसको हम आज डेफर कर रहे हैं। गवर्नर जी LG साहब ने पूरा इंश्योर किया, ये जो अनपेड वर्कर जो है जिनकी स्ट्राइक चल रही है तो उन्होंने कहा कि ये मसला जो है ये मेरे पास ऑलरेडी पहुंच चुका है तो मैं जल्दी ही इसका हल करूंगा।
14 माली कमीशन तैह्त केंद्र सरकार पासेआ खुल्ले फंड जारी करने मगरा कठुआ म्युनसिपल काउंसल ने गैलियां ते नालियां बनाने दा कम्म तेज करी दित्ता ऐ। म्युनसिपल काउंसल दे अध्यक्ष नरेश कुमार होरें अज्ज शिवानगर इलाके च गैलियें ते नालियें दे निर्माण कम्मै दा नींह पत्थर रक्खेआ। जम्मू च अज्ज जारी कीते गेदे इक सरकारी हुक्मै मुजब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश दे सब्भनें डिग्री कालजें च स्याले दियें छुट्टियें दी घोषणा कीती गेई ऐ। हुक्मै मुजब कश्मीर खित्ते दे गौरमेंट डिग्री कालजें च 21 दिसंबर 2019 थमां 7 फरवरी 2020 तोड़ी छुट्टियां रौह्ङन ते जम्मू खित्ते च सिवाय विंटर जोन दे सब्भै डिग्री कालज 1 जनवरी 2020 थमां 10 जनवरी 2020 तोड़ी स्याले दियें छुट्टियें लेई बंद रौह्ङन। जम्मू कश्मीर ते लद्दाख दे मते सारे हिस्सें च हाल च होई दी बर्फबारी मगरा रातीं दे तापमान च उपरोतली कमी आई ऐ, जिसलै कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय जरनैली सिड़का पर पस्सियां पौने कारण किश घैंटे विघन पेदा रेहा। दौनें केंद्र शासित प्रदेशें च बर्फीली हवाएं कारण मौसम ठंडा बने दा ऐ। अखीर च खास खबरां इक बारी परतियै। केंद्री मंत्री प्रहलाद सिंह होरें आखेआ जे केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर च सैलसफा दे बढ़ावे लेई वचनबद्ध ऐ। उनें सांबा जिले च परमंडल ते उत्तर बैनी दा दौरा लाया। लोकें गी बिजली दे बिजन त्रोड़े दे सप्लाई यकीनी बनाने लेई जम्मू कश्मीर सरकार बुनियादी ढांचे आह्लियें स्कीमें गी तेजी कन्नै लागू करग। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दी अमलावरी च बेहतर कारकरदगी दस्सने आस्तै जम्मू कश्मीर गी राष्ट्रीय पुरस्कार लेई तालेआ गेआ ऐ ते पाकिस्तान दी इक विशेष अदालतै साबका सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ की राजद्रोह के एक मामले च मौत की सजा सुनाई है। एदे कन्नै गै खबरें दा एह बुलेटिन समाप्त हुआ।